नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय टीम का हिमाचल में आज दूसरा दिन है। टीम कोटखाई और रोरू क्षेत्र का दौरा करेगी। दूसरी टीम कुल्लू मनाली के लिए जायजा लेगी। तो वहीं आपको बता दें कि बाढ़ से हुए नुकसान का यहाँ पर टीम आकलन भी करेगी। रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम राहत मिलेगी। ये बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है तो आपको बता दें कि 4,800 करोड़ का यहां पर नुकसान का जायजा लेगी केंद्रीय टीम का। आज हिमाचल में दूसरा दिन है। टीम कोटखाई और रोरू क्षेत्र का दौरा कर रही है। दूसरी टीम कुल्लू मनाली का जायजा भी ले रही है। हिमाचल में तबाही का यहां पर टीम आकलन करेगी। रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ और भूस्खलन की खबर थी, जिससे करोड़ों का यहां पर नुकसान हुआ है और नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। टीम का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन कुल्लू मनाली का दौरा कर जायजा ले रही है। रिपोर्ट के आधार पर यहां पर अंतरिम राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, केंद्रीय टीम का हिमाचल में आज दूसरा दिन है। टीम कोटखाई और रोरू क्षेत्र का यहां पर दौरा कर रही है। दूसरी टीम कुल्लू मनाली का यहां पर जायजा भी ले रही है। ये बड़ी खबर, बाढ़ से नुकसान का यहां पर आकलन की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत मिलेगी। 4,800 करोड़ की संपत्ति को यहां पर तबाह हो चुका है। कई जगह सड़कें बह गई हैं, मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय टीम आकलन के लिए कई जिले का दौरा कर रही है यहां पर, और टीम का आज दूसरा दिन है। 4,800 करोड़ की संपत्ति यहां पर नुकसान हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो रिपोर्ट के आधार पर यहां पर अंतरिम राहत मिलेगी। जगह जगह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी भी बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो रखी है। केंद्रीय टीम लगातार आकलन करने में जुटी हुई है और आज केंद्रीय टीम का आज दूसरा दिन है। बीते दिन केंद्रीय टीम ने हिमाचल के सोलन और मंडी जिले में भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। एक टीम मंडी जिले और दूसरी टीम ने सोलन के बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रविनेश कुमार ने नेतृत्व वाली 8 सदस्यीय टीम प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर है। तो दो तस्वीर आपके सामने मंडी से, पहली तस्वीर आपको मंडी से दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर सोलन से। किस तरह से यहां पर केंद्रीय टीम पहुंची हुई है और यहां पर मुआयना के लिए, तो लगातार केंद्रीय टीम आकलन करने के लिए पहुंची हुई है। रिपोर्ट के आधार पर यहां पर अंतरिम राहत देगी मंडी सोलन, और केंद्रीय टीम दौरा कर रही है। तो अगली बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बेहद अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यहां पर कमर कस ली है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम का यहां पर ऐलान कर दिया है। युवा महिला मोर्चा के अध्यक्ष की यहां पर नियुक्ति कर ली गई है। बड़ी खबर, बीते दिन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। वीरेंद्र कंवर को प्रदेश उपाध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। बेहद अहम जानकारी, 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम का यहां पर ऐलान कर दिया है। युवा और महिला मोर्चा के अध्यक्ष की यहां पर नियुक्ति की गई है। बीते दिन जिला अध्यक्षों की यहां पर नियुक्ति की गई थी। तो अगली बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है शिमला से, हिमाचल की राजधानी शिमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का को लेकर यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 और 23 जुलाई को एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा। 23 जुलाई तक मौसम ने येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। बादल फटने से यहां पर कई घटनाएं सामने आई थी पहले भी, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर यहां पर जारी किया गया है। 22 और 23 जुलाई को एक बार फिर से
मौसम बिगड़ेगा। 23 जुलाई तक मौसम का यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया एक्सेस रहा है। और अभी तक का जो मौसम 1 जून से अब तक का जो बारिश है वो करीब करीब 83% ज्यादा है सामान्य से। और 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक्सेस ज्यादा रेनफॉल है बाकी जिलों के कंपैरिजन में, उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर, ये जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हुआ। बाकी जिलों में भी एक्सेस रेनफॉल है। जो मिड हिल्स के एरिया उसमें शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बारिश की संभावना है। एक और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर किन्नौर से आ रही है, बेहद अहम जानकारी। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा रही है, तो आपको बता दें किन्नौर में भी फ्लैश फ्लड यहां पर देखने को मिलेगा। कामरू गांव में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। बाढ़ में 10 से ज्यादा गाड़ियां डैमेज हो चुकी हैं। प्रशासन ने यहां पर नुकसान का जायजा लिया है। तो एक बार फिर से तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बाढ़ और भूस्खलन से लगातार प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। फ्लैश फ्लड का यहां पर आतंक, जिस तरह से गाड़ी बिल्कुल बीच किनारे जाकर फंस गई है, 10 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर डैमेज हो गई हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, किन्नौर के पूंछ खंड में तहत मलिंग नाला में भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते मलिंग नाला समीप नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है और वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है। वहीं इस भूस्खलन में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तो तस्वीरें के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर तस्वीर बयां कर रही है भूस्खलन की ये तस्वीर। नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है, आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। मलिंग नाला में ये भूस्खलन की तस्वीर आपके सामने किन्नौर से। प्रदेश भर में हुई भारी बारिश के बाद हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में लगभग 60 पंचायतों का संपर्क टूट गया है। तो वहीं पांगी में साच मार्ग को बहाल करने में जुटी जेसीबी पहाड़ी से गिरी चट्टान और मलबे की चपेट में आ गई है। इसके अलावा बाग भजून पंचायत के गांव हावड़ा में 300 मीटर का भूस्खलन होने से 5 घरों में भयानक दरारें आ गई हैं। हालत ऐसी है कि मकान कभी भी गिर सकते हैं। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। हिमाचल में आज आढ़तियों की ओर से हड़ताल किया गया है। वजन के हिसाब से सेब बेचने का यहां पर आढ़ती विरोध कर रहे हैं। एपीएमसी एक्ट का प्रावधान मानने से भी यहां पर इनकार कर रहे हैं। आढ़ती पर सरकार की ओर से ब्लैकमेल करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बागवान को दूसरा आर्थिक व्यवस्था बताते हैं, वजन के हिसाब से सेब बेचने का यहां पर लगातार बागवान परेशान है, विरोध कर रहे हैं। और आज सरकार की ओर से भी यहां पर सरकार के खिलाफ यहां पर बागवानों की ओर से यहां पर आढ़ती की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। वजन के हिसाब से सेब बेचने का यहां पर विरोध कर रहे हैं आढ़ती, तो एपीएमसी एक्ट का प्रावधान मानने से भी यहां पर इनकार कर दिया। हिसाब से तो सेब अच्छा बिक रहा है, पर जो इसमें थोड़ी सी नकलजेंसी है, जैसे 24 किलो का बॉक्सा है जिसमें 22 किलो है, 2 किलो काट कर रहे हैं और साथ में जो है हमारा जो है कॉटन जो है उसका पैसा भी गवर्नमेंट दे। एक पेटी में 25-25 24 किलो आता है, हमको तो सिर्फ 22 किलो के हिसाब से देते, तो 2 किलो पेटी के पीछे कटा जाता था। दूसरी बात, जो मंडी बंद हुई है इसका नुकसान किसका है? ग्रोवर का नुकसान है। आज ग्रोवर कहाँ ले जाएंगे पीटने में? ये जो मंडी को बंद करने का जो ये चिंताजनक विषय है, ये सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। इस साल एक तो सेब की फसल कम है, उसके ऊपर कुदरत का ये कहर है कि बागवान बड़ी मुश्किल से, आप देख रहे हैं पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही, वो बड़ी मुश्किल से बगीचों से अपना सेब तोड़ रहे हैं। उस सेब को पेटियों में भरना कितना मुश्किल काम है, मैं भी बागवान हूं, मैं खुद से जानता हूं। तो ये चिंताजनक है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हिमाचल की आड़तियों का यहां पर ऐलान है।
क्यों खफाए आरती आपको बता रहे, वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचेंगे, यात्रियों की ओर से कहा जा रहा है, सरकार ने जबरदस्ती ये निर्णय थोप दिया है, तो इसके लिए मंडियों में पर्याप्त स्पेस नहीं है। एपीएमसी एक्ट में क्या प्रावधान है? एपीएमसी एक्ट में वजन के हिसाब से सेब बेचने का प्रावधान है। देश की अधिकांश मंडियों में किलो के हिसाब से यहाँ पर सेब की बिक्री होती है। पहली बार वजन के हिसाब से बेचने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, जो कि आढ़ती से खुश नहीं है। अब आढ़ती कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर बेहद अहम जानकारी, बागवानी मंत्री की आढ़तियों को लेकर, यहाँ पर दो टू किलो के हिसाब से ही बिकेगा प्रदेश में सेब। तो अब आपको साफ तौर पर आमने सामने आढ़ती और सरकार दिख रहे हैं। तो आपको बता दें, उल्लंघन करने वालों पर भी की जाएगी सख्त कार्रवाई। विपक्षी दल पर लगाए राजनीति करने के आरोप। तो ये बागवानी मंत्री की ओर से आढ़तियों को लेकर ये दो टूक बयान सामने आया, किलो के हिसाब से बिकेगा प्रदेश में सेब। और व्यापारियों के बीच में किसी किस्म का कोई जो है विरोधाभास था ही नहीं। दो दिन पहले मैंने बैठक ली, उस समय कोई ये बात नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कुछ अपने जो प्रैक्टिकल उनको जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी, और उधर किसान के जो संगठन है उन्होंने भी अपनी बात रखी, और हमने कहा कि इस सब के ऊपर हम जो है जो बीच में कुछ व्यवस्था करने की जरूरत हम करेंगे। परंतु हमने उस समय भी क्लियर किया था कि वेट के हिसाब से ही फल बिकेगा, उसमें कोई किसी की रोल बैक नहीं होगा। तो अब एक तरफा जो है ये जो इनका जो व्यापारियों का जो एक्शन है वो एक तरफा है, सरकार के पास तो आए नहीं, मांग तो कोई रखी नहीं, और किसानों के साथ को जो है एक मुसीबत में डाल दिया इन्होंने। तो अब हमारे पास भी जो है कानूनन जो भी उचित कार्रवाई होगी, न्याय संगत कानून के तहत हम जो है कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर बागवानी मंत्री को आप सुन रहे थे, जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि किलो के हिसाब से ही यहाँ पर सेब बिकेगा। तो ये लगातार सरकार और बागवान आमने सामने, आढ़ती भी परेशान है। इधर सरकार की ओर से साफ तौर पर बयान सामने आ गया है कि किलो के हिसाब से ही सेब बिकेगा, लेकिन आढ़ती का ये कहना है कि जगह नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर किलो के हिसाब से सेब नहीं बिकेगा। पहले से ही आढ़ती परेशान है बाढ़ से, बाढ़ ग्रसित। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश कुमार जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से यहां पर सरकार और आढ़ती आमने सामने नजर आ रहे हैं, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि किलो के हिसाब से बेचेगा, लेकिन आढ़ती कह रहे हैं कि जगह नहीं है, किलो के हिसाब से नहीं बिकेगा, और आज आढ़ती ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये तकरार काफी लंबे समय से चली हुई थी। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया था वो किसानों बागवानों के मद्देनजर ही, इसको बैठक जो पहले आयोजित की गई है, 5-6 बैठकें जो आयोजित की गई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जब मंडियां खुली तो किलो के हिसाब से इसकी बिक्री हुई, और बागवानी मंत्री ने भी दौरा किया था मंडियों का, और उनके सामने भी किलो के हिसाब से ही बिक्री हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सीजन तेजी पकड़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे में आढ़तियों का कहना है कि उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा कम है। जो उन्हें दुकानें आवंटित की गई है उसमें दो दो व्यापारी एक दुकान पर काम कर रहे हैं, और सेब जो है हजारों की संख्या में जब पेटियां आती है तो उसको उतारना या एक एक पेटी को तोड़ने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सल कार्टन लागू नहीं है, इसकी वजह से उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जिसको वो सेब दे रहे हैं लगाने को, उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए और पैसा फंस जाए। इस उलझन में वो तकरार लगातार जारी है किसानों और बागवानों के बीच। तो इस बार आढ़ती ये सोच रहे हैं कि सरकार जो पुराने सिस्टम से जैसे सेब बेचा जा रहा था उसी तरीके से इस साल सेब बेचा जाए, अगले साल ये व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले समय में यूनिवर्सल कार्टन जब लागू होगा तो उसमें पैकिंग जो होगी सेब की वो फिक्स रहेगी, कोई ज्यादा और कम नहीं रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अब इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बीते दिनों जब बागवानी मंत्री ने ठेऊ की पराला मंडी का दौरा किया था तो वहां पर बागवानों ने भी विरोध किया था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे, जिनने साफ तौर पर कहा था कि ये जो सेब बिक रहा है किलो के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो
कटिंग हो रही है, 2 किलो की कटिंग हो रही है उसमें, वो उसका भी विरोध जताया गया था। और इसके अलावा जो सेब ज्यादा जाता है उसको लेकर भी तकरार आपस में थी। तो अभी भी हालात यही बने हुए हैं, जैसे जैसे सेब की रफ्तार मंडियों की तरफ ज्यादा जा रही है। दूसरा, बारिश के कारण भी काफी ज्यादा परेशानी है, जो सेब आ रहा है खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 ठियोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़क धस गई थी। पिछले 1 महीने पहले बैली ब्रिज लगाया गया है और जो बैली ब्रिज वहां पर लगाया गया है उसमें उसकी क्षमता 15 से 20 टन ही रखी गई है, क्योंकि एकमात्र वो बैली ब्रिज है जिसके ऊपर काम चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से जैसे बारिश हुई वहां लैंडस्लाइड हुआ, उसके ऊपर 3 पेड़ गिरे, उसके बाद उसकी जो क्षमता थी वो कुछ कम हुई है। ऐसे में एहतियातन तौर पर प्रशासन ने भारी वाहनों को वहां से जाने के लिए मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है, तेज से लदे हुए ट्रक भी नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से व्यापारी भी परेशान है, लदाने भी परेशान है और सेब अधिक मंडियों की तरफ जा रहा है और व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ ढील बरती जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पांवटा साहिब के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में उद्योग संसदीय मामले और आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भारी बरसात से प्रभावित गांवों का दौरा किया। हर्षवर्धन चौहान लोगों की व्यवस्था के प्रति काफी संवेदनशील दिखाई दिए, साथ ही सभी प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव राहत पहुंचाने का भी भरोसा दिया। खेतों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हाल ही में मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। सोलन का घटी स्कूल तकरीबन 8 सालों से निर्माणाधीन है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मौके पर पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण भी किया। वहीं संबंधित ठेकेदारों को बुलाया गया और उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के कोताही में वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, विलम्ब का असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। देखिए घटी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो घटी का स्कूल है वो गाँव के लोगों ने अपनी जमीन देकर शुरू किया था और वो स्कूल अच्छा बना नो डाउट, परंतु इसके बनने में विलंब हुआ, जो इसको 3 करोड़ 47 लाख के आसपास मुझे याद है, वो तकरीबन अक्टूबर 14 की बात है, 2014 की बात है जब हमने इसका शिलान्यास किया था और उस वक्त ही इसको पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन इतनी होती है कि 9 सालों में तो आप समझ सकते कितना गुना ऊपर बढ़ गई होगी। ज्वाली विधानसभा के बनौली में 8 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बनौली कोटा हरनेरा सड़क के कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आधारशिला रखे, जिससे क्षेत्र के 11 गांवों की आबादी को लाभ मिलेगा। चंद्र कुमार ने बताया कि सड़क को बनाने के लिए लोगों की वर्षों पुरानी मांगे थी, साथ ही कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पुलों का जाल बिछाया गया, क्षेत्र के 90% गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है और शेष बचे गांवों को भी प्राथमिकता के आधार पर सड़क सुविधा प्रदान की जाएगी। कुल्लू में पहले ही आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे आम जनता को राहत दे, लेकिन वो डीजल पर वैट बढ़ाकर आम वस्तुओं को महंगा करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजल का रेट बढ़ाने से सभी चीजों के दाम पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा के दौरान बीजेपी के विधायक लोगों से मिलकर जनता की समस्याएं जान रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऐसे समय में इनको चाहिए था कि लोगों को राहत दे, उनका पुनर्वास करे, और ऐसे समय में प्रदेश की जनता पर भारी बोझ डाला है कि 2 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने बैट को बढ़ाया है और आज बैट 10 रुपये 40 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। और कोरोना के समय में पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर जी ने 7% तक बैट को कम किया था ताकि उस कोविड काल में जनता पर मार ना पड़े। मंडीगढ़ में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। पहाड़ी से भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया था। प्रशासन ने मलबे को हटाकर हाईवे को यातायात के लिए बहाल करने की बात कही थी और 2 दिनों तक हाईवे के बंद रहने की सूचना जारी की थी। हालांकि ये रास्ता वाहनों के लिए खोल दिया गया है। अभी भी यहाँ पर 90% मलबा हटाने को है, जिसे अब आने वाले समय में हटाया जाएगा।
जैसा कि पहले सूचित किया गया था आम जनता को कि मंडी से पलो के बीच जो रोड है वहाँ काफ़ी चट्टाने जो हैं और पत्थर हैं बड़े बड़े जो कि खतरनाक स्थिति में लटके हैं और अटके हुए हैं जो कि किसी भी वाहन पे कभी भी गिर सकते हैं, तो कल परसों शाम से इसको बंद किया गया था और एक छोटा हादसा भी हुआ था, गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान गिरी थी मशीन के ऊपर, उसके बाद बंद किया गया था। कल इसको खोल दिया गया था, कुछ काम कर लिया गया है तो कुछ हद तक इसको सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करने को बाकी है। जो वाहनों को दोनों तरफ से बारी बारी से उन पे नज़र रखते हुए भेजा जा रहा है। कुल्लू मुख्यालय के झड़ूरी में ब्यास नदी ने अपना रुख बदल दिया है, जिसके चलते फोरलेन के साथ कई भवनों और बाजार को खतरा हो गया है। लोगों को कहना है कि यदि नदी का स्वरूप पुराने स्थान पर नहीं लाया गया तो तबाही मच सकती है। साथ ही स्थानीय लोगों ने जल्द समाधान करने की मांग की है। इस मामले को लेकर पंचायत में भी रोष है। ये जो ब्यास का जो रुख हमारी ओर को मुड़ गया है, इसमें जो जी बहुत खतरा है। सामने आप देख रहे हैं कि जो हमारा NH का रोड बिल्कुल डैमेज हो गया है, क्योंकि मनाली को जोड़ के रखता है, बल्कि मनाली क्या लाहौल स्पीति लेह तक भी यहीं से ही सारे वाहन जो है जा रहे हैं। और इसके साथ जो है हमारी सामने ट्रक यूनियन के ट्रक जो है सैकड़ों ट्रक फंसे हुए थे, तो जब थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ तो उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए जो पीछे उस तरफ के पानी को रोका गया, अब सारे पानी का रुख जो है बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल फोर्स से आ रहा है और सामने वाला जो डंगा है ये कभी भी गिर सकता है NH का। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में सड़क बहाली का कार्य लगातार जारी है। वहीं बिजली न होने के चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बरशड़ी पंचायत के प्रधान रविंद्र कुमार ने बताया कि बिजली व्यवस्था को बहाल करने के लिए ग्रामीणों ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारियों ने बिजली व्यवस्था को बहाल करने से मना कर दिया है। साथ ही पंचायत प्रधान ने अधिकारियों पर ढील बरतने का आरोप भी लगाया है। ये तो हमारे बरशनी गांव के लोग जो इतने आए हुए थे कल, साहब मना कर दिया जय साहब ने कि आप पोल खड़े कर दीजिए, मैं रिक्वायरमेंट भेज दूंगा, तो जब सामान आएगा तो आपको बिजली तब छोड़ेंगे। जबकि वो गांव वाले जब उनके सहयोग करने के लिए जो जाते थे तो उन्होंने जो है मतलब कि अनसुना जैसा गाँव वालों को भी किया, हम पंचायत प्रतिनिधि होते हुए भी हमें भी अनसुना जैसा किया, एक अफसरसाई जैसी धोज जो उन्होंने जमाई हुई है कि आपको जो है जब सब अरे सारे एरिया में लाइट पहुंचेगी उसके बाद 4-5 दिन पहले जो है हम आपको लाइट बहाल कर देंगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए स्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया है और मार्ग को स्थायी तौर पर बहाल करने का काम अभी भी जारी है। मार्ग के 6 मील से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाया जा रहा है। इसी के साथ फोरलेन के निर्माण में लगी कंपनियां भी सावधानी बरत रही है, तो वहीं जाम की स्थिति से बचने के लिए पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए पहले तो जो रोड के साथ थे उसको ROC से होल किए जा रहे थे, लेकिन क्या है कि ROC ऊपर नहीं जा रही, तो अब जैक हैमर का इस्तेमाल करके ऊपर ब्लास्ट किए जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस लूज को सारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रदेश सरकार ने HRTC चालक और परिचालकों को तोहफा देते हुए लंबित पड़े वर टाइम के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। HRTC परिचालक चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ने इसकी जानकारी दी है। HRTC ड्राइवर यूनियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण दिया है, जिस पर खामी भरते हुए CM ने 16 सितम्बर को कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर सहमति जताई है। शिमला के मिदंता धोटा ने खेल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। मिदंता ने जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मैच में रजत पदक जीता है। 8 से 14 जुलाई तक चली इस प्रतियोगिता में मिदंता ने कुल 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले एक तरफा अपने नाम किए। साथ ही मिदंता ने दूसरी बार नेशनल चैंपियनशिप में खेलते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने कोच और बॉक्सिंग को फेडरेशन के लिए दिया है। बहुत खुशी हो रही है, मैंने सिल्वर मेडल लिया है नेशनल में, ये सारा क्रेडिट मेरे दोनों कोचेज को, दिनेश सर को और संजीत सर को जाता है, और पूरी बॉक्सिंग फेडरेशन को जाता है, भंडारी सर को जाता है जो हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल सुरेंद्र शांडिल जी को जाता है, सबको। धर्मशाला के कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ठगी का शिकार हुए लोग धर्मशाला के SP कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हो गए। साथ ही SP शालिनी अग्निहोत्री को शिकायत पत्र सौंपकर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से
कड़ी कार्रवाई की अपील की गई है। पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। आपने किसके कहने पे पैसा लगाया था, कितना लगाया? अश्विनी शर्मा के नाम पे। कहने पे 40,000 रुपए दिए उनके। कब दिए थे आपने? 2 साल हो गए। क्या कहा था, कितना आएगा? उन्होंने कहा डबल आएंगे, पर उसके बाद आया नहीं कुछ भी। अब कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो कैश दिया था आपने या? हाँ, कैश ही दिया था। वो बोल रहे थे कि 15-20 लाख आपका बन गया है आपका, तो स्टेक करा दिया 2 साल के लिए, लेकिन उसका भी 2 साल से कुछ नहीं, अभी 2 साल हो गए कंप्लीट उसको। नाहन में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। डीसी ने अवैध खनन को अंजाम देने वाली दोषियों खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अवैध खनन की रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। डीसी सुमित खिमटा का कहना है कि जिला में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलीगल माइनिंग से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया, और जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स थे जो माइनिंग एक्ट के तहत ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पे मीटिंग में बुलाया गया था। और हमने सभी से ये रिक्वेस्ट किया कि रेगुलर बेसिस पे, खासकर हमारे पौंटा और कालाम एरिया में, वहाँ पर जो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं वो एक टीम बनाएँ पुलिस के साथ, और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे चेकिंग करें। इन केस अगर इलीगल माइनिंग डिटेक्ट होती है तो उसमें माइनिंग एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई करें। मंडी में निचाई के साथ जुड़ी एजेंसियों की मनमानी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों का सीना छलनी करना और ब्यास नदी में बड़े पैमाने पर अवैध डंपिंग करने की वजह से ये त्रासदी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फोरलेन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के सीजन में ठेकेदार अगर खुदाई करते हैं तो वे जनता के साथ फोरलेन निर्माण की कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। नालागढ़ के अस्पताल में एक महिला मरीज का टेस्ट करवाने के लिए कागज पर हस्ताक्षर लेकर 1,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला से कई कागजों पर हस्ताक्षर लिए थे, जिसके बाद मरीज के अकाउंट से करीब 1,49,000 रुपए का लोन लिया गया था। इस संदर्भ में पुलिस ने महिला के पति की शिकायत दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। जो प्रवासी है यहाँ पर, उसके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है, और ये शिकायत जो है ग्लोबल हॉस्पिटल के विरुद्ध दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दिसंबर 2021 में वो अपनी पत्नी को इलाज देते इस अस्पताल में लेके आया था, और वहाँ पे जो इलाज का खर्चा था उसने अपने इंश्योरेंस के माध्यम से वहन किया था, और जो पेमेंट हॉस्पिटल कर दी थी। पर तो उसके बाद उसने आरोप लगाया कि उसके जो कई जगह पर गलत तरीके से उसके अनजाने में दस्तावेज साइन करवाए गए हैं, जाली दस्तावेज बनवा करके, और नए इंश्योरेंस के माध्यम से पैसे लिए गए हैं, और जिसकी किस्त जो है इसके द्वारा दी जा रही है, जिससे उसका नुकसान हो रहा है। तो इस संदर्भ में 420 भारी दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा चुका है, और उसकी जो तफ्तीश है वो प्रगति पर है। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।